हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आज यूके में पहला रोज़ा है और कल इंडिया में पहला रोज़ा होगा और हम अभी काउंट ही कर रहे थे। लास्ट व्लॉग में मैं आपसे कह रही थी कि अब बस कुछ दिन बाकी हैं और आज देखिए रमज़ान आ गया है, तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लगता है जब यू नो ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं और बच्चों को भी बहुत एक्साइटमेंट है। और रमज़ान का जो महीना है वो लाइक इट इज़ ये पूरे एक महीने हम रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करते हैं। और ये एक जो फेस्टिवल है इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, ये सब्र के बारे में है। इट टीचेस हाउ टू बी पेशेंट इन योर लाइफ। तो बस यही है। और अभी इफ्तार का टाइम हो रहा है यहाँ पे, इफ्तार प्रिपरेशन का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग बनाती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि रमज़ान के व्लॉग्स में हर दिन तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँ और आप तक लेकर आऊँ। और यहाँ है हमारा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रमज़ान मुबारक। दो दिन ख़त्म हो गए और मेरा बर्थडे आएगा उसके बाद और मैं 7 हो जाऊंगी। बहुत एक्साइटेड है मायरा, है ना। तो आज इफ्तार में मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी, जिसका बैटर मैंने रेडी कर लिया है, और कस्टर्ड जो मेरा बन चुका है, बस उसमें मैं फ्रूट्स डालूंगी। और चना मैंने बना लिया है। और मैं सोच रही थी मैं और क्या बनाऊं, तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा, मेरे पास आलू बचा हुआ है वो ब्रेड में लपेट के फ्राई कर दूंगी, और बनाती हूँ चिकन रैप। क्योंकि हमारा जो इफ्तार है मोर और लेस खाने के टाइम पे ही होता है, तो 8 o'clock अराउंड होगा, तो रैप जो है बच्चे भी खा लेंगे और हम लोग भी खा लेंगे। तो मैं चिकन रैप बना रही हूँ और इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चिकन रैप बनाने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने करीबन ये होगा 200 से 250 ग्राम चिकन होगा, और मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट किए हैं, तो आप भी इसको छोटे छोटे पीसेस में ही कट करिए, क्योंकि ये रैप है तो छोटे पीसेस इसमें अच्छे लगते हैं। फिर इसका मैरिनेशन कर लेते हैं। तो मैरिनेशन में मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी लेमन जूस। मेरे पास ये लेमन जूस है, अगर आपके पास फ्रेश लेमन है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं डालूंगी इसमें करीब, ज़्यादा नहीं बट 1 चम्मच के करीबन दही। और अभी मैं इन सब को अच्छे से नींबू और दही को मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है, ये अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है। रैप भी बहुत तरीके का बनता है, कोई कुछ फ्राई रैप, फ्राई चिकन रैप होता है, कुछ आप मैरिनेशन वाले रैप कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, बहुत इजी सी रेसिपी है, आराम से बन जाएगी, और काली मिर्च, हम देख सकते हो थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, और आधी चम्मच जो है टीस्पून मैंने इसमें जो है वो हल्दी डाली है, और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। मैंने कम डाला है क्योंकि बच्चे खाएंगे तो उन्हें मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ज़ीरा पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पैप्रिका पाउडर, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अगर आपके पास तंदूरी मसाला है तो आप तंदूरी मसाला डाल सकते हो, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हो। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ठीक है, और डालूंगी अब लास्ट में नमक, नमक। तो नमक मैं थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि इसमें चटनी नींबू ये सब भी जाएगा, तो नमक हम कम डालेंगे। और हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसका मैरिनेशन बहुत अच्छे से मिक्स होना जरूरी है, तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, स्पून से भी मिक्स कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है।
दही आप कोशिश करना कि पानी वाला ना हो, क्योंकि जब आप इसको कुक करोगे ना तो दही अपना पानी छोड़ देगा और फिर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा उसको कुक करने में। तो ये है चिकन रैप का मैरिनेशन और इसको हम इन अराउंड 5 से 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। और जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम सैलड प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि रैप में सैलड, बिना सैलड अच्छा नहीं लगता है। और चटनी मैंने पहले से बना ली है तो ग्रीन चटनी मैं यूज़ करूँगी, मेयो यूज़ कर सकते हैं, केचप, बट चटनी और मेयो मुझे अच्छा लगता है। और ओ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैंने इसमें डाली नहीं है, लहसुन, सो सॉरी हाँ, लहसुन भी डालना है इसमें। तो लहसुन मेरे पास पिसा हुआ है, तो ये थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट है जो मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। तो इसमें गया लहसुन अदरक का पेस्ट, बिना उसके तो चिकन चिकन ही नहीं है, ठीक है। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए 5 से 10 मिनट तक के लिए छोड़ देते हैं और तब तक हम प्रिपेयर करते हैं सैलड। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने वहाँ पे मैरिनेशन रख दिया है और इधर मैं जल्दी जल्दी सैलड प्रिपेयर कर रही हूँ। तो सैलड में मैं डालूँगी कैरेट और कैबेज है, थोड़ा सा बेल पेपर है, ग्रीन, रेड और येलो, और अनियन है और कुकुम्बर है। तो जो भी आपके पास सैलड की चीज़ें हैं, कुछ नहीं है तो सिर्फ अनियन भी यूज़ कर सकते हैं तो वो अच्छा लगेगा, और लेट्यूस है तो आप उसको यूज़ कर ले तो उससे और भी टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। तो एक बार मैं सैलेड सारा कट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि हमें सैलेड को मिक्स कैसे करना है। सैलेड यहाँ पे कट हो गया है और अब मैं उसमें ऐड करूँगी लेमन जूस। मैं ये वाला लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश लेमन यूज़ कर सकते हो। और साथ ही डालूँगी इसमें काला नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जो है इसमें मैं एक और इंग्रेडिएंट डालूंगी, वो है ज़ीरा पाउडर। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर से एक अच्छी सी स्मेल आती है और अच्छा टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इस तरीके से अगर आप मिक्स करेंगे ना तो तीनों चीज़ें जो हैं उसका फ्लेवर अच्छे से सैलड में मिक्स हो जाता है। अब हम इसको कुक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और वो गर्म हो रही है, तो शुरू करते हैं बनाना इसको। आई होप आपको दिख रहा हो। और हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ऑलिव ऑयल है तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी। करके बनाना है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए अपने चिकन में, चिकन डाल के कुक कर दिए। तो तेज फ्लेम में हम थोड़ी देर, लाइक 5 मिनट्स के करीब हम कुक करेंगे। और टाइम हो गया है 6:30, बस अब 1 घंटा भी टाइम नहीं है तो बस जल्दी जल्दी अब करते हैं। ढक के इसको 10 मिनट तक पकाएंगे, तो 10 मिनट तक ये अच्छे से गल जाएगा। तो रैप के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ टोटीला रैप, और ये हर जगह मिल जाता है। तो ये टोटीला रैप आप यूज़ कर सकते हो, जितना आपको यूज़ करना है बाकी आप फ्रिज में डाल सकते हो। और मैं इसको ओवन में अच्छे से गर्म करके फिर इसमें रैप कर बनाना शुरू करूँगी। तो रैप मैंने गरम कर लिया है और मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। और ये मैंने बनाई थी चटनी, तो सबसे पहले मैं इसमें इस तरीके से चटनी लगा दूंगी।
देखिए इस तरीके से प्रिपेयर हो गया है। तो इसमें मैं चिकन डालूंगी और चिकन को इस तरीके से तोड़ दूंगी सो दैट, और ये इतने अच्छे से कुक हुआ है देखिए, बिना किसी एफर्ट के ये टूट रहा है। तो मैं अपने रैप में इस तरीके से चिकन डालूंगी। हाँ थोड़ा स्प्रेड करेंगे, छोटा रैप है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी सैलेड जो मैंने प्रिपेयर किया है अच्छे से। तो अब इसमें सैलेड डाल दिया है सैलेड, और अब इसके ऊपर से हम थोड़ी सी और चटनी डालेंगे, आपके ऊपर है, अगर आपको चटनी अच्छी लगती है तो आप डालें, नहीं अच्छी लगती ना डालें। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डालूंगी मेयो ऐसे, ठीक है। अब करते हैं रैप, तो इस तरीके से नीचे से हल्का सा प्रेस करेंगे और ये हो गया एक रैप। इस तरीके से आप रैप बना सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ी स्ट्रगलिंग लगती है इसको रैप करके। ये बन गया हमारा रैप, है ना, इजी पीजी। और फाइनली यहाँ पे इफ्तार रेडी हो गया है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और बहुत ज़्यादा इफ्तार नहीं बनाती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इफ्तार का वक्त हो गया है और आज इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन सी या।